However, 70 to 80, this year the death percentage is higher, 22.17 compared to 19.99 last year. And if we look at more than 80, it is again higher this year, 9.81 as compared to 7.82. अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा एक मुख्य समस्या की तरफ, वो ये है कि जब भी एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती है तो अस्पतालों पर डिमांड बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्पतालों में आते हैं और बेड्स की आवश्यकता होती है। राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा बेड्स की भी व्यवस्था की जाती है और भारत सरकार के जो संस्थान हैं राज्यों में उनके द्वारा भी व्यवस्था की जाती है। मैं आपको दिल्ली के बारे में बताना चाहूँगा। 1 मार्च को दिल्ली में 510 बेड उपलब्ध थे, 510 बेड्स वर अवेलेबल इन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इनमें से 419 कोविड बेड थे और ये ऑक्सीजन बेड भी कहलाते हैं, और 91 आईसीयू बेड्स थे। 20 अप्रैल को जो भारत सरकार के अस्पताल हैं, मैंने ब्यौरा यहाँ नीचे आपके साथ साझा किया है, इनमें 2105 बेड बढ़ा दिए गए, 1875 ऑक्सीजन के बेड और 230 आईसीयू के बेड। आने वाले दिनों में हम 164 ऑक्सीजन बेड और 122 आईसीयू बेड जोड़ रहे हैं, ये अगले 2 सप्ताहों में जुड़ जाएंगे। तो ये जो 2105 बेड अभी उपलब्ध हैं वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, वो ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में है, एम्स का जो झज्जर में कैंपस है उसमें है, फिर एम्स की जो मेन बिल्डिंग है उसमें है, सफदरजंग अस्पताल में है, आरएमएल अस्पताल में है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो सरिता विहार में है वहाँ है, ईएसआई का ओखला में है उसमें एडिशनल बेड्स क्रिएट किए गए हैं, ईएसआई का झिलमिल में भी अस्पताल है, ये दोनों लेबर मंत्रालय के अस्पताल हैं, इनमें भी एडिशनल बेड्स क्रिएट किए गए हैं। इसके अलावा जो इसमें नहीं है लेकिन जो जानकारी मैं आपको आज देता हूँ वो ये कि रेलवे ने शकूर बस्ती में 50 कोचेज लगाई हैं, इनमें 800 बेड्स हैं, इनमें से कुछ बेड्स में ऑक्सीजन की व्यवस्था है। रेलवे ने आनंद विहार स्टेशन में भी 25 कोचेज लगाई हैं, उनमें 400 बेड्स की प्राप्त गया है। इस प्रकार रेलवे ने शकूर बस्ती और आनंद विहार में कुल 1200 बेड की व्यवस्था की है। इनका उपयोग आइसोलेशन बेड्स के रूप में या ऑक्सीजन बेड्स के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा डीआरडीओ ने धौलाकुआं में फील्ड अस्पताल को पुनः चालू किया है, जिसमें 2 दिन पहले 250 बेड ऑपरेशनलाइज किए गए थे और 250 बेड कल सुबह से ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो 1200 बेड रेलवे द्वारा और 500 बेड डीआरडीओ द्वारा भी इस जानकारी में जुड़ जाएंगे जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली ने अपने प्रयासों से भी काफ़ी बड़ी संख्या में बेड्स बढ़ाए हैं, अपने अस्पतालों में भी दिल्ली सरकार ने बढ़ाए हैं अस्पतालों का, उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित करके बढ़ाए हैं, और जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके साथ होटलों की टैगिंग करके भी बढ़ाए हैं। तो इस प्रकार दिल्ली सरकार के प्रयास और भारत सरकार के प्रयासों से हम हर दिन दिल्ली में उपलब्ध बेड्स को बढ़ाते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इनको बढ़ाएंगे। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं। देश में 13 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं, 13 करोड़ 1 लाख डोजेज एडमिनिस्टर हुई हैं, पिछले 24 घंटे में लगभग 30 लाख डोजेज एडमिनिस्टर हुई। यहाँ महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंकड़े तो हमने आपके साथ साझा किए हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि 87% हेल्थ केयर वर्कर्स को उनकी पहली डोज